यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर बने रेलवे अंडरपास के नीचे बम जैसी शक्ल सूरत का कोई आइटम रखा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस टीमें, जिसमें थाना प्रभारी, सीओ, एडिशनल एसपी, सभी लोगों के द्वारा यहां पहुंचा गया है। मेरे द्वारा भी यहां तत्काल बिना कोई समय गंवाए पहुंचा गया। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड फोर्थ बटालियन से भी बिना कोई समय गंवाए यहां पहुंची हैं। छानबीन की गई और यह पाया गया कि वो बॉम्ब जैसी दिखने वाली चीज़ एक नकली आइटम है। एक प्लास्टिक के डब्बे में कुछ तार वगैरह लपेटे हुए हैं, बॉम्ब नहीं है, नकली चीज़ है, छद्म बॉम्ब कह सकते हैं, स्यूडो बॉम्ब, किसी शरारत या किसी शरारती तत्व के द्वारा भय फैलाने की कोशिश, पैनिक फैलाने की कोशिश की गई है। इस घटना को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा, जैसी भी घटना आपके सामने घटी है उसको ऑन रिकॉर्ड लेके गंभीर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चूँकि इस तरह की कई घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं, बताया जा रहा है पिछले 3-4 सालों में, सभी घटनाओं की छानबीन की जाएगी और जो भी इसमें कल्प्रिट दोषी सामने आएगा, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसको कठोरतम सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हमने एडिशनल एसपी यहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया है। ऐसे क्लू मिले हैं, एक अस्पष्ट था, अनक्लियर सा एक पत्र भी उसमें था, उसमें कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जो शरारत फैलाने वाला आदमी है वो जहाँ पे हम खड़े हैं उसी आसपास इलाके 2-3 किलोमीटर का रहने वाला है। कुछ और भी महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं, जल्दी ही उस आदमी तक हम पहुँच